हेलो फ्रेंड्स, कश्मीरी दम आलू की सब्ज़ी बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनके तैयार होती है। तो चलिए ये चटपटी कश्मीरी दम आलू की सब्ज़ी बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए यहाँ पे मैंने आधा किलो के करीब ये छोटे आलू लिए हैं, जिसे बेबी पटेटोज़ भी कहते हैं। ये इजीली मार्केट में आपको कहीं भी मिल जाएंगे। इसे बहुत अच्छे से मैंने साफ़ करके लिया है, इसे साफ़ करना बहुत ज़रूरी है। इसे अभी प्रेशर कुकर में हम डाल के इसकी सिर्फ एक ही सीटी लगा के ले लेंगे। इसे हमें 80% तक ही कुक करना है, इसलिए एक ही सीटी लगाए। ये देखिए, एक सीटी लगा के ले ली है मैंने। इसे पूरा ना पकाए हमें सब्ज़ी में, इसे 20% जो है वो पका के ले लेना है, इसलिए कुकर में एक ही सीटी लगा ले। इन आलूओं के हमें छील के ले लेना है। ये देखिए, बहुत आसानी से इसका छिलका उतर जाएगा एक ही सीटी में। ऐसे सारे आलूओं को मैंने छील के लिया है। अब हम इसे फोक या फिर छुरी की मदद से, नाइफ की मदद से इसे ऐसे हमें होल करके लेने हैं, ताकि जो मसाला है सारे आलूओं में बहुत अच्छे से चला जाए। अब यहाँ पे सब्ज़ी का स्वाद बढ़ाने के लिए एक मसाला बनाएंगे, जिसमें हम 7 से 8 लहसुन की कलियाँ, 1 इंच अदरक और 1 स्पून के करीब सौंफ लेंगे। इस सबको हम अच्छे से मिक्सर में डाल के इसका एक पेस्ट बनाएंगे। अगर ज़रूरत पड़े तो आप थोड़ा सा पानी भी डाल सकते हैं, लेकिन इसका एक फाइन पेस्ट बनाना है। अब यहाँ कढ़ाई में 2 बड़े स्पून के करीब हम तेल लेंगे, और इसके अंदर हमने ये जो आलू है, ये आलू इसमें अच्छे से हमें फ्राई करके लेने हैं, जब तक एक हल्की ब्राउन कोटिंग इस आलूओं पे ना आए। एकदम लो फ्लेम पे ही हमें इसे फ्राई करके ले लेना है। ये देखिए, अच्छे से ब्राउन कोटिंग आ चुकी है आलूओं में। अब हम इस प्लेट में निकाल के ले लेंगे। हमें बहुत ज़्यादा ब्राउन भी नहीं करना, हल्की ब्राउन कोटिंग आ जाए तब तक हमें तल के लेना है। अब यहाँ पे कुछ खड़े मसाले डालेंगे, जिसमें तेज पत्ता है, लाल मिर्च है 2 से 3, इलायची है 1, दालचीनी का टुकड़ा है और 4 से 5 लौंग है। इस सबको हम तेल में डाल देंगे। जैसे ही खड़े मसाले हल्के गर्म हो जाएं, हम इसके अंदर 1/2 स्पून के करीब जीरा डाल देंगे और 1 बारीक कटा हुआ प्याज डाल देंगे। इस सबको बहुत अच्छे से मिक्स करके ले लें। हमें प्याज को हल्का ट्रांसल्यूसेंट करना है, ब्राउन नहीं होने देना। अब इसमें हमने जो ये अदरक लहसुन और सौंफ की पेस्ट बनाई थी, वो डाल के सबको अच्छे से मिक्स करके लेंगे। हमें इसे तब तक मिक्स करना है जब तक इसका अदरक लहसुन का स्मेल जो है, कच्चा स्मेल, वो चला ना जाए। इसके बाद इसके अंदर 1 टमेटो को मैंने बारीक पीस के लिया है, वो हम डाल देंगे इसके अंदर। अगर आप दही डालेंगे तो आप टमेटो स्किप कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे इस सब्ज़ी में दही नहीं डालूंगी, इसलिए मैंने टमाटर डाला है। अब हम यहाँ पे सूखे मसाले डालेंगे, जिसमें 1/2 स्पून हल्दी पाउडर, 1 स्पून के करीब धनिया पाउडर, 1/2 स्पून के करीब जीरा पाउडर और यहाँ पे 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर कलर के लिए डाला है। यहाँ पे 1 स्पून किचन किंग मसाला डाल दें। लाल मिर्च आपके स्वाद अनुसार डालें। यहाँ मैंने 1/2 स्पून लाल मिर्च का पाउडर डाला है। आप तीखा ज़्यादा पसंद करते हैं तो 1 स्पून भी डाल सकते हैं। इस सबको अच्छे से हमें मिक्स करके ले लेना है। अब इसके अंदर हम 1/2 ग्लास के करीब पानी डाल देंगे, ताकि हमारे जो मसाले हैं वो अच्छे से पके। पानी डाल के हमें 5 मिनट के लिए इसे अच्छे से लो फ्लेम पे पका लेना है। ये देखिए, अच्छे से मसाले ने ऑयल रिलीज कर दिया है। अब 5 मिनट के बाद हमें इसे अच्छे से मिक्स करके ले लेना है। और अब इसके अंदर हम इसे क्रीमी बनाने के लिए, इसके अंदर मैं 2 स्पून के करीब मलाई डाल रही हूँ, जो फ्रेश क्रीम होती है दूध के ऊपर वाली मलाई, वो मलाई हम डालेंगे। आप अगर टमाटर नहीं डालेंगे इसमें तो दही जब डालेंगे, तो इसी स्टेज पे हमें दही मिक्स करना है मसाले में। मैंने टमाटर डाला है, इसीलिए मैं इसमें दही नहीं डालूँगी, इसमें मैं मलाई डाल दूँगी। अब इसके अंदर 1 ग्लास के करीब पानी डाल दें। दम आलू जो है वो बहुत ज़्यादा, उसकी पतली ग्रेवी नहीं होती, तो हम पानी हिसाब से डालेंगे। हमें आलूओं को पकाना है, इसीलिए हम इसके अंदर सिर्फ 1 ग्लास ही पानी डालेंगे, ताकि 1 ग्लास में हमारा
जो आलू है वो भी अच्छे से पक जाए और जो सब्ज़ी है वो हल्की गाढ़ी बने। अब इसमें एक उबाला आने के बाद इसके अंदर हम ये कसूरी मेथी डाल देंगे, इससे सब्ज़ी का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा। इसे अच्छे से मिक्स करके ले ले। अब इसके अंदर हमने ये फ्राइड आलू डाल देने हैं और इसे अच्छे से मिक्स करना है। और अब हम इसे 10 मिनट के लिए एकदम लो फ्लेम पे पका लेंगे ताकि जो हमारे आलू है वो एकदम परफेक्टली पक जाए। 10 मिनट के बाद इसके ऊपर हल्का धनिया डाल दें। जो एक्चुअल दम आलू की सब्ज़ी होती है ये इन्हीं सारे फ्लेवर्स के साथ ही बनती है। इसके ऊपर फ्रेशली चॉप्ड धनिया डाल दें। देखिए ये स्वादिष्ट दम आलू बनके तैयार है। इसे रोटी, नान, पराठा या फिर चावल के साथ भी आप इंजॉय कर सकते हैं। अगर रेसिपी पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।